चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट टर्म का। कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्थ है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी कुछ इसमें लगेगा, समझिए। कह रहा है अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, एक राइट सर्कुलर कोन है जो 20 सेंटीमीटर हाई है एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे एक वर्टिकल एंगल मतलब जहां से वर्टेक्स है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इज कट इन टू टू पार्ट ऑफ एट द मिडिल, बीच से उसको दो पार्ट में कट कर दिया जाता है, ऑफ इट्स हाइट, मतलब किस कितने सेंटीमीटर का था, 20 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर के बराबर से उसको कट कर लिया जाता है, अच्छा है, ट्रिक है क्वेश्चन में। बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, उसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से कट कर दिया जाता है, बताता हूं कैसे। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, जो फ्रस्टम बन के निकला उस कोन को जब आपने कट किया तो एक फ्रस्टम बन के निकला, वो बी ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, उसको आप एक वायर में ड्रॉ कर दिया गया किस जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको वायर का लेंथ निकालना है, काफी कुछ है, देखते हैं, परेशान मत होना। देखो पहले एक मैंने बनाया ये कोन, ठीक है, आराम से समझेंगे, स्पेस की कमी भी है तो सब कुछ कंसिडर करना है हमें। वर्टिकल एंगल हमारा दिया है यहाँ पर 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री से पहले इसकी हाइट ड्रॉ कर लो, वो है हमारी 20 सेंटीमीटर हाइट, बीचों बीच से इसको कट किया गया किसी प्लेन से, प्लेन ऐसा होता है, इमेजिन करो प्लेन भाई, 3D है तो मैं उसको बनाऊंगा तो और भीड़ बढ़ेगी, फिर तो इसलिए भीड़ नहीं बढ़ा रहा। तो जब तो जैसे ही बीच से कट किया, अब आपको क्या मिलेगा, एक फ्रस्टम मिलेगा, देखो ना ये चीज़ मिलेगा ये, ठीक है। वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है तो बीच से कट करोगे तो 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेशन एक करो, ठीक है। अब देखो मेटालिक राइट सर्कुलर कोन मतलब ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको हाइट पता चल गया ये 10 सेंटीमीटर का है। अब देखो बच्चों यहाँ पे करना क्या ये समझो यार, थोड़ा एक अलग कलर और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे करना ये है आपको कि पहले यहां पे समझो, यहां पे मिडिल से कट किया गया ना, तो जो फ्रस्टम बन रहा है ऑब्टेन ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, वो 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर का एक वायर बनाया जाता, मतलब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम का तो वो वायर बनेगा, उसी वॉल्यूम से वो वायर बनाना है, तो वहां से उसका आपको लेंथ निकालना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, ये चालाकी आपको करनी है। तो आप इस फ्रस्टम में क्या क्या चाहिए वो समझो, फ्रस्टम का आपको रेडियस नहीं पता है, देखो ध्यान से, 20 सेंटीमीटर हाई बोला है और ये पोर्शन नहीं पता आपको, ये चीज चाहिए आपको, ठीक है ना। तो समझो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, दो तीन तरीके से आपको किया जा सकता है, देखते हैं, सिमिलैरिटी लगा लें, इस दो ट्रायंगल बना लें, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो या तो सिमिलैरिटी से बना लें, क्योंकि ये भी 10, ये 10 है, ये भी 10 है, देखो ये चल ही नहीं रहा है, रुक जाओ एक मिनट, ये 10 है और ये 10 है, ठीक है, दोनों 10-10 है, तो हमें ये और ये पता है, तो हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना के, लेकिन क्या हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं क्या, इसको अगर मैं आर मान लूँ, ये पूरा 20 है, देखते हैं, इसको मैं आर मान लिया, आर क्या मानना क्या है, ये आर ही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए बी और ट्रायंगल सी, ए बी सी दे दिया, अब यहां से आपको किसका किसका रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और इसको बेस, ये थीटा के सामने के साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस, तो आप यहां पे किसका, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर भोले, याद करो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ा रखा है, देखना है तो उसका भी वीडियो देख लेना। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन जब भी चाहिए होता, आपको टेन थीटा चाहिए होता है, तो देखो अगर क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, इधर से करते हैं पूरा, क्या मैं उस ट्रायंगल एबीसी में टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकता हूँ, आर अपॉन बेस पूरा, ये पूरा बेस इसका देखो इसका, ठीक है ठीक है, मैं पहले पूरा एबीसी में लगा रहा हूँ, फिर बाद में यहाँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा, पहले पूरा ट्रायंगल में एबीसी में लगा रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर टेन 30 और परपेंडिकुलर हो गया आर, और बेस कितना हो गया पूरा 10-10-20 हो गया, तो यहां से आप R1 मान लो, इसको कैपिटल ये वाला निकाल रहे हो, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो गया 10 20 into 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 अपन कॉस 30 से भी आप निकाल सकते हो 1/√3, ठीक है, तो इंटू 1 बाई
रूट थ्री, तो आप इसको 20 20 बाई रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई करके भी कर लें इसको, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 20 बाई रूट थ्री नहीं कटेगा है नहीं, तो फ़ायदा क्या है, 20 बाई रूट थ्री ही रहने दो। चलो घबराना नहीं, आराम से करना, मैं पूरा समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसको छोड़ दिया 20 बाई रूट थ्री, ठीक है, क्या निकला आपका ये वाला निकला। अब आपको ये वाला भी रेडियस चाहिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, किसका, फ्रस्टम का, आपको वॉल्यूम निकालना, कौन सा फ्रस्टम, यहाँ से जो मैंने कट किया है उसका, तो आपको ये वाला छोटा वाला भी चाहिए, तो इसको मान लो आर टू यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी टेन थर्टी ही लगेगा, टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर टू, बेस कितना है टेन, तो आप यहाँ से आर टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टेन बाई रूट थ्री, जो वैसे ट्वेंटी बाई रूट थ्री हुआ था यहाँ पे टेन बाई रूट थ्री हो जाएगा, और कुछ नहीं। आप दो काम, एक काम और कर सकते थे कि दो ट्राइंगल देखो, एक मान लो ए बी सी और एक इसको कोई नाम दे दो ई एफ दे दो, ई एफ पॉइंट, मैं बना नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है, ये पॉइंट ई और एफ, ए ई एफ और ए बी सी, ये क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना इसके, तो आप अरे वो भी उससे भी हो जाता, पैरेलल लाइन है तो अगर किसी ट्रायंगल का आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम, थेल्स थ्योरम आपको याद है, नहीं याद है तो ट्रायंगल देखो, वो कहता है कि अगर ट्रायंगल के किसी किसी तीसरे किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है तो वो दोनों को रेशियो में सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन आपको ये वाला भी चाहिए था तो प्रॉब्लम होती थोड़ा सा। खैर ये आपको R1 R2 आपने निकाल लिया कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, R1 R2 तो निकल गया, अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आपको निकालना है, फ्रस्टम का, तो आप अब पूरा एक लाइन में उसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, फ्रस्टम के वॉल्यूम से ही तो आप वायर बना रहे हो, तो वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर होगा। अब देखो क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, अब वायर कैसा होगा, किस शेप का होगा, वायर कुछ ऐसा होगा, तो वो किस शेप का होगा, वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप का होगा, इस शेप का वायर आपको बनाना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको लगाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर इंटू आर वन आर टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वायर में आपको क्या क्या चाहिए, अब उसने कहा लेंथ ऑफ द वायर ना, तो यहां पे जो लेंथ होगा वही हाइट के बराबर होगा, यही लेंथ ऐसे ले लेते लेंथ ऐसे ऊपर ऐसे वर्टिकल कर दिया तो वही हाइट हो जाता है, तो h आपको निकालना है कुल मिला के। और देखो अब इसका रेडियस भी तो आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पहले लिख लो पाई, अब इसका r में अलग लिख रहा हूँ, इन्होंने इनको मैं आर वन आर टू मान लिया हूँ तो इसको मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इधर भी h है तो इसको h1 मान लिया मैंने, तो इसको एच टू निकाल, अब हमें एच टू निकालना है कुल मिला के समझो, फिर देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, चलो एक चीज तो कैंसिल आउट, अब एक रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या, फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, जो डायमीटर होगा वायर का वो 1/16 सेंटीमीटर है, ये क्या दिया हुआ है, वायर का डायमीटर 1/16 है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा करो 1/16 का, तो 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या रेडियस, ठीक है, एक मिनट, डायमीटर 1/16 है ना, तो अपॉन टू करेंगे, हाँ ठीक, तो कह रहा हूँ, तो रेडियस हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे रखो h h1 दिया है, अब देखो आपने कट किया था कितना 20 सेंटीमीटर को, 20 से कट किया था 10 सेंटीमीटर का हुआ, तो आप 10 लिखेंगे 1/3 इंटू 10 एच1, आर वन स्क्वायर, आर वन कितना हमने निकाला है 20/3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और अपॉन 3 रूट 3 है ना, फिर वैसे ही 10/3 का, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 अपॉन 3 प्लस
20 बाई रूट थ्री इंटू 10 बाई रूट थ्री। देखते रहो बच्चों, रूट थ्री यहाँ भी थ्री हो जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इज इक्वल्स टू क्या है भाई डायमीटर, 1 बाई 32 इंटू 1 बाई 32 इंटू H2 निकालना है आपको, तो घबराओ ठीक। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो स्पेस की कमी है तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं से स्टेप को यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही जगह पर सब बता दूँ, अलग से मिटा के ना बताना पड़े। थोड़ा सा मैं फिर से ये वायर बना दूँ आपके लिए, इमेजिन कर लेना ये, ठीक है चलो परेशान नहीं होना है। देखो अब कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ कटने वाला होगा तो कटाएंगे, 1/3 है तो कुछ कटने वाला है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए इसको जोड़िए, ये देखिए 20 × 10 ये हो जाएगा 200 और √3 × √3 ये भी 3 हो जाएगा, तो 200 ये, 400 ये, 600 और ये 700 अपॉन क्या हो जाएगा 3। देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, अपॉन में सबके 3 हो गया ना तो सब जुड़ जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो ये 400, 200, 600 और 700 बाई 3। तो आप इसको अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3 × 10 × 700 / 3 हो गया इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया 1/32 इंटू H2। अब आपको ये निकालना है ठीक है, तो इन इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 3 × 3 = 9 आएगा क्योंकि 3 से बाकी कुछ अभी कट नहीं रहा है। तो आप सिंपल सा आप सीधे H2 इक्वल्स टू लिखेंगे, H2 इक्वल्स टू ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये अपॉन में रह जाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो 7 × 10 कितना हो गया 7000 × 32 × 32। तो ये 7000 हो जाएगा, 7000 × 32 × 32 1024 होता है, 32 का स्क्वायर आप कर लेना 1024, ये मल्टीप्लाई आ गया इधर, डिवाइड है ना तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो जाएगा और 3 जो इधर हो जाएगा 9 इक्वल्स टू H2 ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप 1024 में 7 से मल्टीप्लाई करिए और 7000 से मतलब 3 आप लगा देंगे। और एक काम करो यार, पहले तो इसको एक यहीं से सिंप्लीफाई कर लो, आपको ये सब सेंटीमीटर में आ रहा है ना, ये सब सेंटीमीटर में है, एक मिनट, सेंटीमीटर में है या सेंटीमीटर उसमें वॉल्यूम है ना, तो नहीं हाइट निकाल रहे हो ना, वॉल्यूम कहाँ बचा आप, तो ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लो। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड कर लो, पहले कम हो जाएगा थोड़ा सा, किस लिए समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक ये क्या है सेंटीमीटर में है, इंटू 100 से डिवाइड कर लो तो फटाफट ये क्या हो जाएगा मीटर में, तो 200 कैंसिल हो गया, एक थोड़ा झाम से बच गया। तो फाइनली H2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1024 इंटू 7 करो पहले फटाफट, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14 और 2 = 16, 7001 7 × 7 फिर से 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14 और 2 = 16, 7001 7 × 7 और 1 0 लगा दो और अपॉन क्या आ गया 7161680/9 ये आ गया। अब इससे आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या डेसिमल ले लो, तो देखते हैं 7 1 6 8 0 को 9 से डिवाइड करिए, 9 8 = 72 हो जाएगा, कम जाएगा 9 7 = 63, 11 3 जाएगा 8 कैंसिल आउट, 6 9 9 = 81 कितना जाएगा 6 में से 1 गया 5, 8 नीचे आया, 9 6 = 54 कितना बचा 40, 9 4 = 36 ठीक है ना, कितना बचा 4। चलो अब होल नंबर में लिख देता हूँ, मैं पॉइंट में नहीं लाऊंगा इसको, तो आप लिख सकते हो 7964 4 होल नंबर पॉन 9 क्या मीटर में ही आया है। अब बच्चों पहले समझो यार, पहले फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक कोन है ठीक है ना, एक मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है, एक मेटल का ये कोन है ठीक है ना,
उस मेटल के कोन को बीच से काट दिया जाता है, बीच की हाइट से। तो 20 सेंटीमीटर हाइट, तो बीचों बीच काटोगे तो 10-10 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी। और वो जो उसके कट करने के बाद क्या बनता है, फ्रस्टम बनता है, आपको पता ही है। उस फ्रस्टम से एक वायर बनाना है, तो उस वायर की लेंथ कितनी होगी वो निकालना है। तो यहां पर दिमाग लगाओ कि अगर उस फ्रस्टम से आपको वायर बनाना है, इसका मतलब जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा वही उस वायर का वॉल्यूम होगा। तो सिंपल सा फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है, उसको वायर के वॉल्यूम के इक्वेट कर देना है। उससे पहले क्या क्या आपको चाहिए, जब आपको फ्रस्टम मिला तो यार फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आप देखो ना, क्या 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। अब देखो एच तो है, बीच से कटा है तो एच तो आपको पता है, ना तो आर वन पता है, ना तो ये वाला पता है, ना तो ये वाला पता है। लेकिन उन्होंने एक चीज आपको दे रखी थी, उन्होंने कहा कि इसको जो वर्टिकल एंगल जो है 60 डिग्री है, तो बीचों बीच बीच से ये डिवाइड होगा तो 30 डिग्री हो गया। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसमें एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और बेस आपको पता है। तो आप टेन थीटा का यूज करके टेन 30 इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल में, तो वहां से आप आर वन निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको आर वन मान लो और बेस क्या हो जाएगा, 10 + 10 = 20। वही मैंने लगा। फिर ऐसा ही काम छोटे वाले ट्रायंगल में लगा लो, तो यहां भी टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आर टू और बेस कितना है 10। फिर हमने टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहां भी 1/√3, यहां भी 1/√3 हमने रख दिया। अब देखो समझना है, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब वायर क्या दिया था कि डायमीटर दिया हुआ था कितना, 1/16 सेंटीमीटर। हमने यहां से क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। देखो ये दिख रहा है, ये हमने रेडियस निकाल लिया 1/2 करके, तो 1/32 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में बचने के लिए आपने क्या किया, पाई से पहले पाई कटा लिया, फिर जैसा वैल्यू जो भी आप निकाल कर आए। अब देखो 20/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, √3 का 3। फिर वैसे 10 का स्क्वायर 100 हो गया बाई 3। फिर देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन क्या किया कि देखो √3 × √3 कितना हो गया 3, इसका कैलकुलेशन करो पर्टिकुलर, और 20 × 10 कितना होगा 200/3। अब ये 200 + 100, क्योंकि ये सब लाइक टर्म हो गए तो सब ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 200 + 400 + 600 + 1700/3। वही मैंने यहाँ पे किया ये, ठीक है। बाकी तो मल्टीप्लीकेशन किया और कैलकुलेशन किया, फिर आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।